हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आपके लिए न्यू वीडियो लेकर आई हूँ लेसन नंबर 10 की, सोशल स्टडीज की, जिसमें लेसन नंबर 10 हमने स्टार्ट करा था लास्ट वीडियो में, जिसका नाम था फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ये इस लेसन का सेकेंड पार्ट है जो मैं आपको प्रोवाइड कराने जा रही हूँ। आई नो आपको पता होगा, आपने टाइटल देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, उसमें लिखा हुआ है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ सेकेंड पार्ट। सो आपको ये भी पता चल गया होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। सो आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट डिस्कस करेंगे। बट हाँ, वन मोर थिंग, जब हमने लेसन स्टार्ट करा तो हमने एक टॉपिक कंप्लीट करा था, इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, कि फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है। अगर आपने वो देखी है वीडियो तो वो तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी तो प्लीज मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, पहले आप जाइए वो वीडियो देख कर आइए। क्यों? बिकॉज वो वीडियो काफी इम्पोर्टेंट है इस लेसन के लिए। अगर आप वो नहीं देखेंगे तो आपको आगे की भी लेसन भी एक्सप्लेन नहीं हो पाएंगे अच्छे से, आगे के टॉपिक अच्छे से नहीं समझ आएंगे। सो टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट में हम कई सारे फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, एंड आई होप आप लोगों ने देख ली होगी फर्स्ट पार्ट। अगर अभी भी नहीं देखा है तो राइट हैंड साइड पे आपको आई बटन शो होगा वीडियो के, उसे क्लिक करते ही आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। नाउ अब मैं लेसन स्टार्ट करती हूँ टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। बेटा कई तरह के फॉरेस्ट होते हैं इंडिया में, टोटल यहाँ पे बेसिकली कितने दिए हुए, 5 फॉरेस्ट, डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट होते हैं। फॉरेस्ट का मतलब आप सबको पता चल चुका है, जंगल। तो 5 टाइप के फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, डिसीडियस फॉरेस्ट, थॉर्नी फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। तो वन बाय वन हम डिटेल में पढ़ेंगे सारे फॉरेस्ट को। फर्स्ट फॉरेस्ट है एवरग्रीन फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या होते हैं? एज द नेम सजेस्ट, दिस काइंड ऑफ फॉरेस्ट रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर। नेम के अकॉर्डिंग क्या पता चल रहा है, ये वो फॉरेस्ट है, वो जंगल है जो पूरे साल ग्रीन रहते हैं। इनकी जो ग्रीन लीव्स है वो कभी भी कलर चेंज नहीं करती, ना ही अपनी पत्तियों को शेड करते हैं, गिराते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते, ये हमेशा क्या रहते हैं, ग्रीन। दीज ट्रीज नेवर शेड देयर लीव्स फुल्ली एंड सो आर ऑलवेज ग्रीन। तो ये अपनी लीव्स को भी नहीं शेड करते, इसलिए वो हमेशा ग्रीन रहते हैं। दे आर फाउंड इन द हॉट एंड वेट रीजन ऑफ अवर कंट्री। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? उस जगह पे कंट्री के जहां का वेदर कैसा हो, हॉट एंड वेट। दीज फॉरेस्ट आर वेरी डेंस। ये फॉरेस्ट कैसे है? काफी डेंस है। द स्लोप ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द हिल्स ऑफ नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया आर फुल ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो जो वेस्टर्न घाट वाला स्लोप है एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के हिल्स है, वो पूरा एवरग्रीन फॉरेस्ट से भरा हुआ है। वहां पे एवरग्रीन फॉरेस्ट हमारा पाया जाता है। The trees in the evergreen forest are tall and form a canopy as they have a very thick growth. जो trees होते हैं evergreen forest के, बहुत लंबे होते हैं, tall होते हैं, and ये canopy form करते हैं जिसे, जो कि काफी thick growth होती है इनकी। ये आपको picture given है evergreen forest की, I know आपको show रही होगी, show रहा है ना, हर जगह पेड़ ही पेड़, greenery greenery, different shades of green color है ना, डार्क लाइट हर तरीके दिख रहे हैं, लंबे लंबे पेड़ दिख रहे हैं आपको इसमें। तो ये हो गया एवरग्रीन फॉरेस्ट। सो एवरग्रीन फॉरेस्ट के बारे में और क्या दिया हुआ है? द वुड ऑफ दीज ट्रीज इज हार्ड एंड वैल्यूएबल। जो लकड़ियां होती है ना इन ट्री की, काफी मजबूत होती है, हार्ड होती है और काफी कीमती होती है। इबोनी, महगनी, रोजवुड, ये सारे एग्जाम्पल है एवरग्रीन ट्री के, डिफरेंट डिफरेंट ट्री, एक ही टाइप का ट्री थोड़ी ना रहेगा हमेशा एवरग्रीन, डिफरेंट काइंड के ट्री है जो इनके नेम गिवन है वो हमेशा एवरग्रीन रहते हैं। तो कुछ थ्री ट्रीज के नेम गिवन है, तो एटलीस्ट टू नेम्स आपको लर्न होने चाहिए। लाइक रोजवुड इजी है सबसे, एक तो आप ये कर लिएगा, इबोनी सेकेंड, ये भी बहुत ईजी है, तो ये आप एक कर लिए। वैसे तो तीनों ही ईजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, तीनों अगर आप कर लेते हो दैट इज वेरी, वो तो बहुत अच्छी बात है अगर आप तीनों कर लेते हो। नाउ सेकेंड टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज डेसीडियस फॉरेस्ट। आज मैं आपको ऑनली टू फॉरेस्ट के बारे में पढ़ाऊंगी, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड डेसीडियस फॉरेस्ट। सो डेसीडियस फॉरेस्ट हमें क्या बता रहा है? द ट्रीज इन दिस फॉरेस्ट शेड देयर लीव्स इन द समर सीजन। जो ट्री होते हैं ना इन जंगलों के, जो ट्री होते हैं ना वो अपनी लीव्स शेड कर देते समर सीजन में। कौन से सीजन में? समर सीजन में। मेन ट्री यहाँ पे कौन सा फॉर्म किया जाता है डेसीडियस फॉरेस्ट में? साल, शीशम, टीक। इनके जो पेड़ होते हैं ना, ये क्या करते हैं समर सीजन में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं, मतलब शेड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, झड़ जाती है इनकी पत्तियां। वुड ऑफ दिस ट्री इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर एंड एज बिल्डिंग मटेरियल।
इनकी लकड़ियां किसके के लिए यूज की जाती है? बिल्डिंग मटेरियल बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए। ये आपको पिक्चर दे दी डेसिडियस फॉरेस्ट की। यू विल फाइंड दिस फॉरेस्ट इन द साउथ प्लेट्यू एंड अलोंग द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। आप इसे कहाँ पाओगे? साउथर्न प्लेट्यू की तरफ आपको ये जंगल ये फॉरेस्ट देखने को मिलेगा, एंड हिमालय के फुट हिल्स पे भी इस टाइप का फॉरेस्ट आपको दिखने को मिलेंगे। मतलब डेसिडियस फॉरेस्ट के ट्रीज आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो दो फॉरेस्ट हमने यहाँ डिस्कस किए, एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड सेकेंड वन इज डेसिडियस फॉरेस्ट। आई होप आपको दोनों फॉरेस्ट के टाइप एक्सप्लेन अच्छे से हो गए होंगे। अगर आपको ये समझ आ गई है तो पहले तो वीडियो को लाइक कर दो, देन सेकेंड थिंग, अब मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रही हूँ ना, आप उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। सो एवरग्रीन फॉरेस्ट की लीव्स शेड होती है या नहीं, आपको ये बताना है। एवरग्रीन फॉरेस्ट की लीव्स शेड होती है या नहीं? अगर होती है तो आप लिखेंगे यस एवरग्रीन फॉरेस्ट की लीव्स शेड होती है, और नहीं तो नो। नाउ आप एवरग्रीन फॉरेस्ट के एग्जांपल भी बताओगे ट्री के, कौन से ट्रीज ग्रो करते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट में। एंड नाउ थर्ड क्वेश्चन इज डेसिडियस फॉरेस्ट की लीव्स शेड होती है या नहीं, अगर होती है तो कौन से सीजन में होती है, कौन से सीजन में होती है, और साथ ही साथ इसके दो एग्जाम्पल ट्री के। सो ये आपका होमवर्क है। आप, मैं चाहती हूँ कि आप होमवर्क जरूर करें, बिकॉज कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो तो देख लेते हैं बट जो मैं क्वेश्चन पूछती हूँ ना कहीं नहीं करते। सो मैं आपको से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप करा करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ आई कि नहीं। और जो बच्चे करते हैं दैट इज वेरी गुड, आप लोगों को मैं, आप लोग जब करते हैं तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं मुझे पता चलता है कि हाँ कि आपको ये वीडियो समझ आई। मैं आपको ये जरूर कहूंगी कि जो बच्चे करते हैं बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं वो दूसरे बच्चों को भी मोटिवेट करेंगे। अगर आप मैसेज करते हो कमेंट में तो आप अदर चिल्ड्रंस को भी मोटिवेट कर रहे हो मैसेज कमेंट करने के लिए, वो भी लर्न करेंगे, वो भी करेंगे। तो जो भी करेगा मैं उसको रिमार्क भी दूंगी, मैं आपको रिमार्क भी दूंगी कमेंट सेक्शन के थ्रू। तो जरूर करिएगा मैसेज कमेंट सेक्शन में। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आज के लिए इतना ही, बाय।